हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान डोरमेट डिजाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं 12 फंदे ली हूँ, 12 फंदे ली हूँ। और देखिए, मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। पुरानी साड़ी, पुराने दुपट्टे से आप बना सकती हैं। दो कलर का बस ले लेना है, ऊन से भी इसको बना सकती हैं। जैसे पूजा आसन बनाना हुआ, थालपोस बनाना हुआ, तो इसको ऊन से बना सकती है। तो देखिए, 12 फंदे ली हूँ। आपको आपको यहाँ पर लेने होंगे 28 फंदे, 28 फंदे डालने होंगे, 28 फंदे डालने होंगे। तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट रो है, और फंदे डालने के बाद रॉन्ग साइड से ये डिजाइन शुरू करना है। रॉन्ग साइड से, उल्टा साइड से ये डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए, ऐसे उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आना है और दो फंदे ऐसे छोड़ देना है। देखिए, दो फंदे ऐसे किनारे पर छोड़ देंगे। अब फिर यहीं से वापस घूम जाएंगे, घूम जाएंगे, और फिर पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे जब 12 फंदे हैं तो 6 फंदे बना लेना है, 6 फंदे बना लेना है। उसके बाद ये डिजाइन फिर डालना है। तो 6 फंदे मतलब ऐसे छोड़ते हुए, अभी दो छूटा, फिर दो, फिर दो, 6 फंदे ऐसे बनाना है। देखिए, फिर आ जाइए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड आ जाइए, फिर उल्टा उल्टा बुनते हुए ऐसे बुनना है। पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बुनना है। यहाँ पर फिर दो फंदे छोड़ देने हैं। तो अभी मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए, फिर से आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, फिर ऐसे बुनते हुए आना है, ऐसे बुनते हुए जाना है और दो फंदे फिर छोड़ देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2, 4, 6 फंदे छूट गए ना, फिर यहीं वापस से टर्न हो जाना है। अब 6 फंदे इधर हैं, 6 फंदे इधर हैं, और फिर इधर पूरी सिलाई राइट साइड से सीधा सीधा बना लेना है ऐसे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। अब देखिए, कलर को चेंज करेंगे, कलर को चेंज करेंगे। और देखिए, मैं भूल गई आपको बताना कि जैसे जब दो कलर लगाते हैं तो यहाँ पर किनारे पर इसको फंसा फंसा के ऐसे ऊपर लेते जाना है, नहीं तो इतना बड़ा देखिए फंदा हो जाता है। तो मैं तो छोटा सा ही बना के दिखा रही हूँ, तो इसमें बड़ा फंदा रहेगा तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसको खोलना है। फिर देखिए, 3, 1, 4 फंदे, 4 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे, 2, 4, 6, फिर 8 फंदे हो गए। फिर इसको यहीं पर से टर्न हो जाएंगे और फिर चारों को उल्टा उल्टा बना लेना है। राइट साइड है, ये है रॉन्ग साइड से ही कलर बदलना है आपको, कलर चेंज करना है। फिर इसको ऐसे बुनेंगे, फिर आ जाइए रॉन्ग साइड की रोज, इधर से शुरू किए थे बुनना। फिर देखिए, इसको ऐसे बुनेंगे। अब दो ही फंदा बुनेंगे, दो फंदा बुन लिए और दो फंदा ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि दो दो फंदा हर सिलाई में ऐसे छोड़ना, फिर टर्न हो जाएंगे वापस से ऐसे। देखिए इस तरह से। अब फिर आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, रॉन्ग साइड की रो आ जाइए। अब देखिए क्या करना है, अब पूरी सिलाई फर्स्ट कलर से, फर्स्ट कलर से पूरी सिलाई ऐसी बुनना है। रेड कलर से ही पूरी सिलाई बुनेंगे लास्ट तक, इसमें कोई फंदा छोड़ना नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरी सिलाई बुनेंगे, तो देखिए लास्ट का फंदा भी ऐसी बुन लेंगे, लास्ट तक बुनेंगे। और फिर आ जाइए राइट साइड, राइट साइड भी पूरी सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो देखिए, जिस तरह से एक कली मैं बना के आपको दिखाई हूँ, ये किसी तरह से ऐसे सर्कल में बनाते जाना है। तो एक कली पहले बनाई थी, फिर एक कली बना ली, दो कली बन गई ना, तो इसी तरह से आपको सर्कल में बनाते हुए आना है और यहाँ पर आके ऐसे सिलाई कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर देखिए राइट साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड से फिर अभी कलर नहीं चेंज करेंगे। इसको ऐसे देखिए, ऐसे इसी तरह से फंसाना है, पहले शुरू नहीं फंसाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, जैसे फर्स्ट रो बुने थे वैसे ही बुनना है। देखिए, इसको इस तरह से ऐसे करके
ऐसे करके फंसाते हुए, तो देखिए इस तरह से ऐसे फंसा लेना है कि बड़ा बड़ा मतलब धागा ना छूटे कपड़ा, और इसको ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए आना है और दो दो फंदे करके ऐसे छोड़ते जाना है। तो जैसे फर्स्ट और एक कली बनी थी वैसे ही पूरा ऊपर तक बनाना है, छह फंदे छोड़ने के बाद फिर ये वाला कलर लगाएंगे सेकेंड कलर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ डोरमेट ये बन के कैसा लगता है, फिर ऐसे छोड़ेंगे और फिर राइट साइड आ जाएंगे, फिर इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड डोरमेट इस तरह से बनके तैयार हो गया है। इसको आप चाहे साड़ी से बनाइए चाहे ऊन से बनाइए, तो ये बहुत पहले का मतलब डोरमेट है और ये लोचा से बनाया गया है। इस तरह से देखिए एक आता है डोरमेट बनाने वाला लोचा, तो उसी से बना हुआ है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू।